से आपने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया? आपने तो धोखा दे दिया। मैं क्या धोखा दिया यार? दोस्त को चुने तो ठीक है, हम भी दोस्त बनेंगे तो साथ में रह सकते हैं। सॉरी हो गया। कहीं सेटिंग तो नहीं कर रहा मेरी गर्लफ्रेंड को? वैसे आज बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा तेरे को लग रहा होगा ना? तेरे से कुछ बोलना है, सुन फटाफट जींस पहन के माता है, मेरे शर्म लगता है। 50 लेना, पेंट वेंट सिलवा लेना, ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग वीडियोस। गाइस, तो सभी को जय श्री राम, कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने जिंदगी में व्यस्त होंगे अपने अपने साथियों के साथ। तो गाइस, सर आज का मौसम कुछ हनुका लग रहा है, मतलब नॉर्मल सा लग रहा है। तो गाइस, सर आज का सीन क्या होगा मेरे को भी मालूम नहीं, लेकिन अभी बज रहे हैं 11 और जस्ट मैं अभी नहाया, क्योंकि आज लेट हो गया ब्लॉग डालने में। तो गाइस, सर अभी मेरे तरुण कॉल किया था, चलो इधर आ जा बोल के, तो चलो घूमते हैं थोड़ा उधर अपने गाँव साइड। और जगदलपुर जाने के बाद क्या रहेगा आज का सीन मेरे को भी मालूम, लेकिन जो भी होगा बहुत ही तगड़ा और धमाकेदार होगा। तो चलो गाइस, हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने ना मेरी जान लोग, तो चलो चलते हैं। सो गाइस, फाइनली रेडी वेडी ओके, तैयार हो चुके हैं और आज हम लोग बहुत ही जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि यार अभी 1 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं। और ये मेरे कॉल किया था घर आ जा बोल के, लेकिन ये खुद ही मेरे घर आ गया और तैयार वैयार करके मेरे को ले जा रहा है जगदलपुर अभी इतना जल्दी। और गाइस यार, आज ना मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया था यार, तुमसे मिलना यार, बात बात करना है, वैसा ऐसा बोल रही थी। तो चलो देखते हैं क्या सीन रहता है, क्योंकि यार आज कितना दिन हुआ, 4-5 दिन हुआ उससे बात बात बंद हो गया था। तो चलो देखते हैं यार, हमको बहुत याद करते हैं यार लड़कियाँ, अच्छा लगता है गाइस। तो चलो उससे मिलते हैं और आज क्या सीन रहता है, कैसे मनाती है मेरे को, लेकिन मैं थोड़ा नहीं मानूंगा, उसको डांटूंगा सबसे पहले, उसके बाद देखता हूँ क्या सीन रहता है। आप सभी लोग तो बोले कि उसको छोड़ दो, लेकिन नहीं, उसको थोड़ा और मस्ती मजाक करते हैं ना। तो चलो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, बहुत ही फनी और बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलो आज मिलते हैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, चलो वीडियो में बने। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जगदलपुर में और अभी हम लोग चाय वाय पियेंगे, उसके बाद लेने जाएंगे आप सभी की भाभी को। ऐसा आपको लग रहा होगा, नहीं यार भाभी नहीं है, झगड़ा हो गया बस, तब बस अभी उसके साथ ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का मतलब रिलेशनशिप नहीं रखना है, बस ना दोस्त बना के रखना है गाइस, सब क्या ही बोल सकते हैं। और ये हंस हंस के मेरे को देख देख के। और अब हम लोग यहाँ पे एक शॉप में हम लोग चाय वाय पीने के लिए आए हैं, ये अपने को चाय पिला रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा, नहीं पिलाता है, बहुत कंजूस है, मैं ही पिला रहा हूँ इसको चाय। तो चलो भाई, जा चाय मंगे, दो खड़कता बड़कता गर्मा गर्म चाय मंगना, ठीक है, जो कि खाने के बाद माइंड फ्रेश हो जाए और अच्छे अच्छे आइडियाज आ जाए। रखिए सर, थैंक यू यार, फाइनली अपना चाय वाय आ चुका है, देख सकते हो गाइस। तो चलो चाय वाय पीते हैं और आप सभी से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, फाइनली हम अपने लोकेशन में पहुंच चुके हैं और देख सकते हो दीपिका जी भी आई हुई हैं आज। तो चलो गाइस, मेरे को काय के लिए बुलाया है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अच्छा हुआ बुलाए, अच्छा लग रहा है गाइस। तो चलो देखते हैं क्या सीन रहता है। और अपने निखिल विखिल किधर है पता नहीं, वो गाड़ी वाड़ी सर्विसिंग करने ले गया अपना KTM Duke 250 को। और खुशी मैडम तो अपना रील वील बनाने में अपने दोस्त लोग के साथ बिजी है, और नागेश आज नहीं आऊँगा बोल रहा, क्या काम है पता नहीं। बाकी मैं, तरुण और अपनी दीपिका जी हमको बुलाई हुई है आज, मतलब बुलाई है काहे के लिए पता नहीं। और मुस्कान जी शायद ही नहीं आएंगे, कुछ काम आ गया उनको। दीपिका को पूछूंगा तूने मेरे को क्यों बुलाया। तो चलो देखते हैं क्या जवाब देती है, मतलब मेरे से ना अभी हाय तक भी नहीं किए, मतलब मैं बात नहीं किया हूँ ना बस। हाय, कैसे आज अपना याद आ गया? अब तो फोन नहीं उठा रहे हो, कैसे मेरा ब्लॉग कर? तो ब्लॉग तो करूँगा ना यार, तू आज ऐसा क्या कर दी? ऐसा कुछ नहीं की, लेकिन वैसे मन किया इसलिए ब्लॉग कर दिया, अब क्या ही बोल सकते हैं। वैसे सुन ना, मेरे क्यों बुलाइए तू आज? ऐसी बात करने के लिए। ऐसी बात, ऐसी कैसी बात? मुंह मिला देता हूँ कैमरा, ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए ना यार कि दोस्तों के बीच क्या क्या चल रहा है जिंदगी में, वैसा वैसा समझ रही है ना, इसीलिए हम दो दोस्त दोस्त तो बनाऊंगा ना, दोस्त तो हो गया ना, सब खत्म हो गया ना GFBF सिस्टम, अब दोस्त अब मेरा क्या सिस्टम है पता है मेरे को ना, अब दोस्त बनाना अच्छा लगता है सच्ची में। हाँ अच्छा है ना, देख मेरा बात सुन, क्योंकि देख दोस्त वोस्त रहने से ना अच्छा ही है, क्योंकि यार दोस्त लोग के साथ झगड़ा नहीं होता, जेलस नहीं होता, कुछ नहीं होता। अभी GFBF सोचोगे ना अच्छा नहीं लगता है, मतलब ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये चक्कर में नहीं पड़ना है, फालतू है, सही है ना, तेरे को लगता है कि नहीं ऐसा? हाँ, लगता है। सही है ना, दोस्त रहेंगे वो सब, वही तो। और ऊपर से गाइस, अभी वैलेंटाइन डे, रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, दुनिया भर आ रहा है ना, ये सब झमेले में नहीं रहना यार, बहुत ज़्यादा पैसा घिस जाता है, मतलब उड़ जाता है जेब से, समझ रहे हो ना, सही है कि नहीं? सही है, इसीलिए क्या खत्म कर दिया? ब्रेकअप? नहीं है यार, ऐसा वैसा नहीं है, अब मेरे पसंद नहीं है सब। हाँ, अब तो
हाँ आप दोस्त रह सकते हैं। हाय, आपका नाम? मेरा नाम दीपिका। मेरा नाम शिवा विसाई। आज से दोस्त, ठीक है ना? और वैसे आज ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो सच्ची में, वाइट वाइट। वैसे आपने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया? आपने तो धोखा दे दिया। मैं क्या धोखा दिया यार? दोस्त को चुने तो ठीक है, हम भी दोस्त बनेंगे तो साथ में रह सकते हैं। वही तो, दोस्त को चुना तो अब तो दोस्त बन गए, तेरे को दोस्त बन के चुनूंगा अब। सच्ची में आज बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। और इधर हवा चल रहे हैं गाइस, ये वाला लोकेशन में ना पूरा आवाज़ वावाज का दिक्कत हो रहा होगा, पता नहीं। और क्या बोलूँ, इतने दिन क्या क्या किए, और 5-6 दिन सच्ची मेरे को याद की तो? लेकिन ना अच्छा लगा यार, तू आज मेरे को याद की, तो कम से कम कोई लड़की तो है ना जो मेरे को याद करती है। वाकई कौन याद करते हैं इस जमाने में, समझ रहे हो ना? मेरा कोई लड़की याद नहीं करती, बस तुझे छोड़ के। अच्छे से एक बार सब साइड से सॉरी कर, माफ किया जा, माफ किया, जी ले अपनी जिंदगी दीपिका, जा मैंने तुझे माफ कर लिया। फाइनली हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन दोस्त बन के ना। अब ये बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर में नहीं रहेंगे, सब कुछ खत्म। भले चॉकलेट वॉकलेट दे देंगे चॉकलेट डे रोज डे में, लेकिन वो वाला नहीं, जियो वाला नहीं, ठीक है, दोस्त वाला। तो एक बार फिर से हाथ मिला लीजिए, हाथ तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है तरुण को कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को ही सेटिंग कर लूँ, कहीं सेटिंग तो नहीं कर रहा है मेरी गर्लफ्रेंड को, सोचना भी नहीं। नहीं नहीं लग रहा है ना कभी कभी, समझ रहे हो ना गाइस। सुन ना दीपिका, तू ना मेरे को आज ना बुलाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा सच्ची में। हाँ सच में ब्लॉक किया, सॉरी यार उसके लिए, अब क्या ही कर सकता हूँ। ऐसा देख, तू मेरे को एक ही बार बुलाई ना, मैं आ गया यार तेरे लिए। देख इतना बार, मैं कितना बार फोन की, कितना बार कॉल की, कितना बार कॉल की, करने से कहाँ पता चलेगा। चलो ठीक है ना, सॉरी बोल रहा हूँ ब्लॉक करने के लिए। और और 5-6 दिन कहाँ कहाँ घूमी? कौन से गाँव? तेरा गाँव? मैं तो मेरे गांव ले जाने का सोचा था तेरे को, पर क्या करे, तेरा किस्मत में ही नहीं है मेरा गांव, बस तेरा गांव ही जाना था तेरी किस्मत में। तो मेरे ब्लॉक किए थे। नहीं यार, बस वैसे नॉर्मली कर दिया था मैं, ऐसा सो सॉरी बोल के। क्या सोच के मैं? मेरा भी गलती था, तेरा भी गलती था, ठीक है ना, 50-50। तेरे अकेले को नहीं बोल रहा हूँ, समझ जाना। ओके जानू, ओके ओके। अब लोकेशन नहीं मिल रहा जगदलपुर में, क्या करे। कुछ भाई लोग बोले लोकेशन बदलो, लोकेशन बदलो, बहुत ही जल्द बदलेंगे यार, मतलब ना बहुत ज़्यादा दूर वूर हो जाता है ना, शांति से लोकेशन नहीं मिलता, इसीलिए ना हम लोग इधर आ जाते हैं। सुन मेरी दीपिका, मैं तेरा शाहरुख, ऐसा मैं बनना चाहता था, लेकिन तू क्या करे धोखा दे दी। आप क्या बने? मैं दोस्त बना ना अभी, पहले हम लोग तू दीपिका थी, मैं शाहरुख बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेरा शाहरुख नहीं बन पाया, क्या ही कर सकते, अपना चेन्नई एक्सप्रेस ज़्यादा दिन तक नहीं टिका, पता है, हंस रही है। सो गाइस, अपना चेन्नई एक्सप्रेस ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया, क्योंकि यार तंगावली ने मेरी दीपिका को ले लिया, और तंगावली कौन है? तंगावली। लेकिन बोलते हैं ना, क्यूट क्यूट लोगों के साथ झगड़ा होने से प्यार बढ़ता है बोलते हैं, लेकिन साला यहाँ प्यार ही नहीं बढ़ रहा है, यहाँ दोस्ती हो गया है। अब गाइस अब क्या ही कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, तो पूछ ही नहीं दोस्ती कैसे। आप बोले आपके गर्लफ्रेंड वाले मिल गए, ऐसा कुछ नहीं पूछती यार, लेकिन तू अच्छी लड़की है, नहीं पूछी। नहीं मैं समझ गई। क्या समझ गई? कि मेरी को नई गर्लफ्रेंड मिल गई, वैसा नहीं है यार। नहीं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, दोस्ती ठीक है। हाँ दोस्ती ठीक, गलत है। हाँ वही तो, देखो यार मैं क्या के लिए दोस्ती बना रहा हूँ पता है, क्योंकि यार देखो अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, अगर अच्छी लड़की मिल गई ना यार, फिर भी शादी के लिए जीएफ नहीं बनाऊंगा, सीधा डायरेक्ट पत्नी बनाऊंगा, ऐसा सोचा हूँ मैं, समझ रही है। हाँ फिर ये गर्लफ्रेंड बनाओगे फिर झगड़ा लड़ाई होते रहता है, मेरे को ये सब पसंद नहीं है। हाँ लेकिन मैं वैलेंटाइन डे जो भी आ रहा है रोज डे, क्या क्या तेरे गुलाब दूंगा, टेंशन मत ले। ₹5 वाला कौन देता है, खाएंगे ना, बाकी पैसा फालतू में काहे के लिए वेस्ट करे यार गुलाब को खरीद के। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा तेरे को लग रहा होगा यार, इसके बाल बहुत क्यूट है यार, पूरा कुल्ले वालों में मस्त बवाल दिख रही है सच्ची में। और कुछ मेरे बारे में नहीं बोलेगी, मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या कैसे दिख रहा हूँ घर के, सच में मेरे ऊपर लड़कियाँ फिदा हो जाएगी, तू फिदा होगी, दोस्त वाला फिदा होगी। गाइस फाइनली दोस्त मान ही ली इसने, इसके साथ 80 मजाक तो चलते ही रहेगा, ब्लॉग वीडियो में आती ही रहेगी, आएगी ना वीडियो वगैरह में, सच में ना, सच्ची में आएगी ना? सच्ची में आऊंगी। हाँ वही तो बोलने वाला था मैं, चल ठीक है, मैं तेरा शाहरुख बनने का कोशिश करता हूँ ना, तू मेरे को अपनाएगी ना, दोस्ती वाला, दोस्ती वाला, प्यार वाला नहीं। हाँ चलो गाइस ठीक है, तो गाइस सर अब चलते हैं सीधा दलपत सागर में, क्योंकि यार आज अपने निखिल लोग कोई नहीं आए वाला लोकेशन में, और आज मेरे को बुलाई थी दीपिका जी सॉरी बोलने के लिए। दीपिका जी
आपका सॉरी हमने एक्सेप्ट कर लिया, थैंक यू, नको टेंशन लेने का। वैसे सॉरी काहे के लिए बोले थे? मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं इंग्लिश विंग्लिश मेरे को नहीं आता, हुआ था हम दोनों के बीच, मैं भी सॉरी बोला तेरे को ना, चलो फिर से एक बार बोल देता हूँ, आई एम सॉरी। वैसे सॉरी को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ माफ कर दीजिए, ठीक है। इस सुअर का वेट कर रहा था, इतना लेट काहे के लिए की बता? सुअर कैसे रोते हैं? मान ली मतलब तो सुअर है, और सुअरों का सरदार गाइस, सुअरों का सरदार बाबू सोना ही ढूंढते रहो क्या, तुमको कुछ नहीं आता? मेरा देखो पीछे ना, आई एम शिवा बिसाई, सुअर बिसाई, शिवा सुअर बिसाई में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं मेंढक हूँ ठीक है ना, सुअर बहुत ज्यादा हो गया। सुन ना खुशी, तेरे से कुछ कहना है रे, जल्दी बोल, कहाँ जाना है? आपको जाना है रे, तेरे से कुछ बोलना है यार, सुन ना, तेरे से कुछ बोलना है, सुन फटाफट जींस पहन के मत आया, मेरे शर्म लगता है। 50 लेना, पेंट वेंट सिलवा लेना ठीक है, ये फट जाएगा जी।